हमारा काम होता है 10 10 20 20 50 50, एक एक साथ 200 एक एक साथ, ऐसे कुछ फरिया है ज्यादा लंबा लंबा। अब जितना लंबा लंबा रहेगा तो लंबा फरिया आएगा। अब एक आग दूर ठहरे कैंडिडेट ले कितना खींचा, पता चला इतना डॉक्यूमेंट दुई बोरा रखा है, रुका गया पैसा ले लिया वसूल लिया गया डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के नौकरी कर रहा है, तो हम दूसरा काम करें कि हम वसूलने लें उतना समय दूसरे में वसूलने में बर्बाद करेंगे, फिर सारा हम कमा लेंगे। बिहार का यूपी का कहाँ जाना है, बिहार का राजस्थान का मध्य प्रदेश का हैदराबाद तेलंगाना ये सब यहाँ भी काम, ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को आपके परिवार बच्चे को आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु का कहते क्या आता है वो कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना, निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव, द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, इसी बीच नीट परीक्षा पास कराने को लेकर एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदीराम का वीडियो वायरल हो रहा है। वे उसमें नीट परीक्षा में पास कराने को लेकर बातें करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो पेपर लीक से लेकर राज्यों में पैसे लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 40-40 लोगों को नौकरियां दिलवाई और उनके तार कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सुभाषपा विधायक बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। वायरल वीडियो में वो नौकरी दिलाने और पेपर लीक को लेकर बात करते दिख रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये वीडियो एक युवक ने बनाया जो नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाने की वजह से विधायक जी के पास पैसा मांगने पहुंचा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर और उनके विधायक बेदीराम दोनों इस मुद्दे पर चुप्पी साध लिए हैं। इसी बीच उनकी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें खुलेआम वह दावा कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में कोई भी नौकरी चाहिए, किसी भी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को नौकरी चाहिए तो दिला देंगे। फार्म भरने के बाद वो क्या कहते हैं कि उसे कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जो भी हो वो आ जाए तो भेज दीजिए या बता दीजिए, नौकरी दिला देंगे। वो जो मंच पर बैठे हैं वो किसी से कम नहीं हैं, कई लोगों को उन्होंने सेट करवाया है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद घोसी से सांसद राजीव राय ने भी ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक चैनल को दिए अपने बयान में कहा कि बेदीराम तो मोहरा है, इसका असली सरगना ओम प्रकाश राजभर है, जो खुलेआम यह दावा कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में नौकरी दिलवा देंगे। इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मच गया है। इस खबर में इतना ही, वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखिए।